नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर 3 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मेरठ से बड़ी खबर, अकबर बंजारा की अवैध संपत्ति की जांच जारी। मेरठ पुलिस को 20 से ज्यादा संपत्ति की लिस्ट मिली है। अकबर बंजारा के पास थी अरबों की संपत्ति, ये पुलिस का कहना है। गहनता से की जा रही जांच, जल्द साफ होगी अवैध संपत्ति की तस्वीर। बिजनौर में भी बंजारा की संपत्ति होने की खबर। कई रिश्तेदारों के नाम पर है करोड़ों की प्रॉपर्टी। दरअसल बहुत बड़ा गोतस्कर 2 लाख का इनामी था अकबर बंजारा, जिसे असम लेकर रिमांड पर गई थी पुलिस। और वह एनकाउंटर में अकबर और उसका भाई मारा जाता है। हालांकि अब उसकी संपत्ति की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना क्षेत्र फलावदा में कुछ दिन पहले एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था गोकशी का, जिसमें कुछ लोग पकड़ में आए थे। एक गाड़ी भी बरामद हुई थी जिसके माध्यम से गोकशी को अंजाम दिया जा रहा था। उसमें अकबर बंजारा और इसके भाई का नाम प्रकाश में आया था, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसके बाद असम पुलिस ने अपने यहाँ से बी वारंट प्राप्त किया था और बी वारंट के आधार पर वो असम पुलिस अकबर बंजारा को मेरठ से असम लेके गई थी। वहाँ माननीय न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया था और 7 दिन की PCR मिली। देखिए, संपत्ति की जो हमारे पास अभी प्रथम दृष्टया कुछ कुछ सूची हम लोगों ने कलेक्ट की है जो इसकी संपत्ति है, लेकिन उसको अब प्रॉपर वेरीफाई करवाया जा रहा है। मतलब कि वहाँ मौके पे भेज के और पेपर्स के आधार पे कि इसकी कौन कौन सी संपत्ति है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब जो भी इसकी संपत्ति है उसका वेरीफिकेशन चल रहा है। और हमारे साथ सहयोगी अभिषेक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जाहिर तौर पर कल जब मुठभेड़ में मार गिराया जाता है अकबर बंजारा का, उस दौरान आपने पूरी बात बताई थी, लेकिन अब गौ तस्करी से जो उसने संपत्ति बनाई है उसकी जांच पड़ताल की बात कही जा रही है, तो पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जो अवैध संपत्ति यानी कि अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति, क्या लिस्ट मिल पाई है? हाँ, देखिए, अभी जांच चल रही है। LIU को इसमें लगाया गया है और एक ये पता चल रहा है सूत्रों के हिसाब से लखनऊ इंटेलिजेंस की एक टीम भी इस मामले की जानकारी ले रही है मेरठ पुलिस से। और मेरठ LIU की टीम भौतिक सत्यापन करेगी, तहसील को भी इस काम में लगाया जाएगा। जो अकबर बंजारा की संपत्ति है वो कैसे अर्जित की गई, अकबर बंजारा के नाम कितनी संपत्ति है, उसके पिता पीलू के नाम कितनी संपत्ति है, उसका भाई जो मुठभेड़ में मारा गया उसके नाम कितनी संपत्ति है, तीसरा भाई मेरठ जेल में बंद है उसके नाम कितनी संपत्ति है, इसके गैंग में कौन कौन लोग थे, क्या अकबर बंजारा के मारे जाने के बाद वो गैंग को ऑपरेट करेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर मेरठ पुलिस अब जांच कर रही है। अधिकारी अभी खुल के तो नहीं बोल रहे कि कितनी संपत्ति उन्हें मिली है, लेकिन बिजनौर में भी बहुत बड़ा एक फार्म, कृषि फार्म, इसका बताया जा रहा है। अभी उसकी तस्दीक बिजनौर पुलिस से और तहसील बिजनौर से होगी। इसमें वक्त लगता है इन जांचों में, क्योंकि अभिलेखों का परीक्षण और ये सब करना थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे अकबर बंजारे की संपत्ति की पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है और उसके बाद देखा जाएगा ये संपत्ति वैध है अवैध है, इसका ओनर कौन है, क्या उस संपत्ति पर क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से अर्जित की। तो इस तमाम चीज़ों में अभी पुलिस जाँच में जुटी हुई है। हालांकि आपराधिक प्रवृत्ति के जो होते हैं तत्व वो बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं। अभिषेक, जाहिर तौर पर जो संपत्ति की जांच का दायरा है रिश्तेदारों के इर्द गिर्द भी घूमेगा कि कहां से ये अर्जित हुई संपत्ति, क्योंकि पैसों को ठुकाने को लगाने के लिए ऐसे अपराधी कुछ ऐसी चाल चलते हैं। हाँ, देखिए राहुल, अपराधी कितना भी शातिर हो, चाल कितनी भी चल लें, लेकिन लकुना कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं। आप देखिए, योगी 2 है ये शासन, और अगर कोई इसने गलती कर रखी है तो वो पकड़ी जाएंगी, इलीगल है तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि असम में उग्रवादियों के साथ ये घटना जो वहाँ से रिपोर्टिंग हुई है, पता चल रही है कि अकबर बंजारा और उसका भाई मारा गया। लेकिन सवाल ये होता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों से बांग्लादेश और दूसरे देशों में गोमांस ये सप्लाई कर रहा था बिना नेक्सस, बिना पुलिस की मिलीभगत, बिना राजनीतिक संरक्षण के एक दूसरे राज्य में करके, कहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कहाँ असम का पूर्वोत्तर,
इलाका, वहाँ पर अगर इसने जड़े जमाई और इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया तो इसको पूरा संरक्षण था। अब असम में क्या इसके खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहाँ पे भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ इसकी कनेक्शंस की क्या जांच चल रही है तो अलग बात है, वहाँ से पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि यह संपत्ति इसकी अकूत है, अरबों रुपए की संपत्ति का लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जिस तरीके के मकान इसके हैं वो आलीशान हैं और कृषि योग्य भूमि है जो इसने पिछले 15 से 20 सालों में खरीदी है। हालांकि जांच पड़ताल में कितनी संपत्ति निकल कर सामने आती है और उसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है, आप बने रहिए क्योंकि आगे भी आपके साथ खबर पर जुड़े हैं। बड़ी खबर, मेरठ विकास प्राधिकरण में छापा, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने छापेमारी की कार्रवाई की है। एमडीए बोर्ड की बैठक से पहले छापेमारी हुई है, तो बड़ी खबर इस वक्त की, मेरठ विकास प्राधिकरण में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने छापेमारी की कार्रवाई की है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एमडीए बोर्ड की बैठक से पहले छापेमारी की कार्रवाई, ऑफिस से कई कर्मचारी नदारद मिले। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की क्लास लगाई, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज दिखे, अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। एमडीए के कई कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ये वही है, अलग है? नहीं, ये दूसरी है, अलग है। ये भी ये सिलाई कर इसलिए भी क्या हो, उसका हिसाब किताब रहता हो, बनाते होंगे परफॉर्मा। हाँ सर, हमने कितनी कार्रवाई की सर? सर चलिए बैठे, पहले तो ये बताइए, शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए मेरठ से सहयोगी अभिषेक, जाहिर तौर पर कमिश्नर जब एमडीए में पहुंचते हैं मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, क्या कुछ तस्वीर रही, क्या कुछ निर्देश, क्या कुछ नाराजगी और क्या उन्होंने खामियां पाई? हाँ देखिए राहुल, मेरठ विकास प्राधिकरण में जिसपे शहर के विकास की जिम्मेदारी है, वहाँ कर्मचारी लगातार नदारद रहते हैं। अवैध निर्माण शहर में चारों तरफ हो रहे हैं, शिकायत मिलने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं। घूसखोरी की एक बड़ी शिकायत है, आज अचानक कमिश्नर पहुँचे क्योंकि आज बोर्ड बैठक होनी है, आज हाजी याकूब की संपत्ति को डिस्ट्रॉय किया जाए यानी किया जाए इसका फैसला भी हाईकोर्ट से होना है, तो निगाहें सारी लगी हुई थी। अचानक से कमिश्नर ने एमडीए में छापा मारा, लगभग सभी संपत्ति विभाग में गए, वो मानचित्र विभाग में गए, कई विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया, तो काफ़ी स्टाफ लेट मिला, सीटों पे नहीं थे। उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स थे उनसे नाराज़गी जताई कि अगर टाइम पर नहीं आएंगे तो वो कार्रवाई कर देंगे। मृदुल चौधरी जो उपाध्यक्ष हैं एमडीए के, उन्हें निर्देश दिए कि आपको ये चेकिंग करनी चाहिए, आपको लगातार ये देखना चाहिए कि कर्मचारी फील्ड पर जा रहे हैं, मेट और दूसरे कर्मचारी फील्ड पर जाकर काम कर रहे हैं, जेई कितनी रिपोर्ट दे रहे हैं, अवैध निर्माण रोक रहे हैं नहीं रोक रहे, सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मानचित्र के अनुरूप जो भवन नहीं बन रहे उन पर कितना जुर्माना लगाया जा रहा है, ये तमाम तरीके के निर्देश कमिश्नर ने दिए हैं उपाध्यक्ष को। और समझना चाहिए कि कमिश्नर की इस छापेमार कार्रवाई के बाद कुछ कार्रवाइयां अब उपाध्यक्ष एमडीए भी करेंगे, हो सकता है वेतन कटौती भी कर्मचारियों की जाए। धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो एमडीए